हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू SBI बैंक का स्टेटमेंट निकालना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या डिवाइस में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में ऑनलाइन SBI टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ये फर्स्ट वाली वेबसाइट https://www.onlinesbi.com पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको ऊपर यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपने इंटरनेट बैंक को लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ आपको यूजर नेम एंटर करना है और नेक्स्ट में पासवर्ड एंटर करना है, और जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है इसको आपको यहाँ एंटर करके अपने इंटरनेट बैंक को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वन टाइम पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर भेजा गया होगा। तो उसको आपको एंटर कर लेना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये OTP रहा 7764 and 78946। उसके बाद OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको माई अकाउंट एंड प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप माई अकाउंट एंड प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन दिख जाता है। अगर आपको यहाँ नहीं दिखता है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नीचे दिख जाएगा। तो मेरे में यहाँ दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, अकाउंट स्टेटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट ऑप्शंस फॉर द स्टेटमेंट पीरियड, यहाँ से आप अपने स्टेटमेंट को बाय डेट निकालना चाहते हैं। अगर बाय डेट निकालना चाहते हैं तो यहाँ आपको स्टार्ट डेट एंटर करना है और इंड डेट एंटर करना है। अगर आप बाय मंथ निकालना चाहते हैं तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं और मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का निकालना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर पर आपको टिक कर देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर ले। तो चलिए मैं फाइनेंशियल ईयर का निकालना चाहता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ स्टेटमेंट में अगर इसे आप ओनली व्यू करना चाहते हैं, केवल देखना चाहते हैं, तो आपको व्यू सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इसे MS Excel फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं PDF फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं इसे ऑल ही रहने देता हूँ। उसके बाद से आपको गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू SBI बैंक स्टेटमेंट को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो उसमें लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, हैव ए गुड डे।